नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। कितना एक्साइटेड है आज आपके लिए, काफी खास दिन है। दूल्हा के ड्रेस में हूँ तो एक्साइटेड तो समझ सकती हैं आप। हमारे साथ ये भी दूल्हा है, 1/get 1 get 1 काका का जो अंग्रेजी में था, buy 1 get 1 free। हां वो तो फिल्म देखम तब बुझी। अभी ना 80 रुपया खर्चा करे पड़ी, पहले ना बताई हमनी के। हां फिल्म पहले बन जाओ। उधर ही बताइए, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे शूटिंग का है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ तो हम रियल लाइफ में करी ला डांस। तो आज वह कुल पार्ट्स रहा जो फिल्मिस्तान, फिर से हाजी अली, फिर से मरीन ड्राइव, कुछ हमने के जगह पर शूट करी है जा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलल हमारा के, काहे कि हम जब मुंबई में आई रहनी आज से 8-9 साल पहले, तो एगो फिल्म के शूटिंग चलते रहे जहाँ मास्टर जी कोरियोग्राफ करते रहनी और पवन सिंह भैया के वहाँ के कोरियोग्राफ करते रहनी। तो हम देखल रही तो कहनी कि काश हमरो के यहाँ के कोरियोग्राफ करती। तो ये मौका हमारा के प्राप्त भैल कि वहाँ के डायरेक्टर भी बनी है फिल्म के और कोरियोग्राफर भी बनी, तो बड़ा उत्साहित हम बहुत बनी। क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा रहा आज का? आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का, साथ में हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे और उससे ज़्यादा एक्साइटेड थे शाम को मुहूर्त में आप लोगों के रूबरू आने के लिए। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करूँगा। तो कैसा रोल होगा, आप डांसर है तो डांसर ही दिखाए जाएंगे, लेकिन क्या उसमें अलग अलग क्या दिखाई जाएगा? जी बिल्कुल, एक जो गांव से हीरो बनने आते हैं लड़के वैसा कुछ है, लेकिन कुछ उसको परोसने का तरीका मास्टर जी का एक अपना है, उनका एक तरीका जो है, जो कि स्टाइलिश कोरियोग्राफर कहलाते हैं। तो ये स्टाइलिश फिल्म होगी, मैं यहाँ तक बताऊँ सब लोगों को, ये स्टाइलिश फिल्म होगी और मास्टर जी हम दोनों पे ये कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, भले कहानी लगे टाइटल है उधारी सुपरस्टार मेरे नाम के ऊपर, लेकिन कहानी हम दोनों पे चलेगी और बहुत ही मतलब लगेगा। जैसे आप लोग वो फिल्म देखे थे मैं तेरा हीरो, वरुण धवन भी थे और एक वो थे, तो लेकिन कहानी वरुण धवन के ऊपर चलती थी लेकिन हीरो वो भी थे। तो वही वाली कहानी है कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और स्टाइलिश कहानी है, स्टाइलिश डायरेक्टर हैं और हमारे कैमरा मैन दादा प्रिंस जी हैं स्टाइलिश, अवधेश बाबा हैं स्टाइलिश, इतने तो सब लोग स्टाइलिश हैं, इतने हम लोग दोनों लोग एकदम नए हैं तो स्टाइलिशों के बीच में फंसे हैं कुछ स्टाइलिश करने के लिए। अरे तो आप कुछ बताइए अपने किरदार के बारे में। देखिए इस सिनेमा को लेकर मैं अभी किरदार को तो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बहुत कहने के लिए मैं और उधारी इसमें स्टार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्क्रिप्ट अपने में स्टार है और किरदार ऐसा है कि अमूमन देखा जाता है दो लोग होते हैं, दो सिनेमा में कर रहे होते हैं, एक अलग पार्ट लेके चल रहा होता है, दूसरा दूसरे पार्ट को लेके चल रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट हमें छोड़ देना चाहिए ऑडियंस के लिए कि इनका क्या रोल है और मेरा क्या रोल है। उधर क्या चेंजेस आ रहे हैं आप एज अ डांसर? आपको काफ़ी चेंजेस है, लेकिन एक्टिंग के लिए क्या क्या चेंजेस आ रहा है इस फिल्म के लिए? चेंजिंग कुछ नहीं है, बस वो जो भी होगा मेरे स्टाइल में होगा, मास्टर जी के स्टाइल में होगा, चेंजिंग कुछ नहीं है, बस वही है हमारा स्टाइल देखने को मिलेगा आपको। जैसे नहीं सर, मैं एक्टिंग के बाद डांसर में आया हूँ। मेरी 2013 में एक फिल्म शूट हुई थी, 4 साल रुका, उसके बाद 2016 में रिलीज हुआ। तो पहले मैं एक्टर था, बाद में स्ट्रगल करने के लिए मैं यहाँ पर डांसिंग में ज़्यादा फोकस किया, तो लोग मुझे इंडस्ट्री वाले अधिकतर लोग मुझे डांसर समझे। लेकिन मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा यश भैया का, जिन्होंने मुझे एक अपने फिल्म में हीरो का किरदार दिया। फिल्म का नाम था बिटिया छठी माई का, जो अभी फिल्म रिलीज हुई, इसको आप लोगों ने संस्कारी और पारिवारिक फिल्म का वो भी दिया था। तो उससे मैं फिर कमबैक किया एक्टिंग में 4-3 साल बाद, और तब से गाड़ी चली पड़ी है। उसके बाद मैं राजकुमार पांडे सर का फिल्म किया, फिर अभी हम पूर्णिमा दीदी का फिल्म कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको माँ बोलता हूँ और सब दीदी बोलते हैं तो मैं भी दीदी बोलता हूँ।